तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ नया स्टेप्स ले आया हूँ काइट का, क्योंकि मेरी तरफ ना भाई 15 अगस्त से ज़्यादा पतंगबाजी रक्षाबंधन में होती है। जैसे कि आप लोग की तरफ 15 अगस्त मनाया जाता होगा, वैसे ही मेरी तरफ भाई रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो उतनी ज़्यादा पतंगबाजी मेरी तरफ रक्षाबंधन में होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ नई पतंगें लेकर आया हूँ, पौनी और कुछ पतंगें वही थी जो मैंने 15 अगस्त में दिखाई थी। तो वो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा उन पतंग का, दोबारा से दिखा दूंगा, और मैं कुछ मांझे मांझे भी दिखाऊंगा जो मैं सिर्फ स्पेशली 15 अगस्त में यूज करूंगा। तो आपको क्या करना, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे पतंगों की। तो ये देखिए भाई, ये पौनी पतंग मैं लेकर आया हूँ, और देखो पतंग की आप फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया पतंगों की फिनिशिंग है। और मैं चौक गिनाऊँ, 1 2 3 4 और ये हो गए 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब लगभग 50 के आसपास ये पतंगे मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए पतंगों की फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और पतंग में काफ़ी ठड्डे भी अच्छे हैं, इसीलिए मैं ले आया और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो देखिए पहले आप पतंग की फिनिशिंग देखो भाई, मतलब एकदम सिंपल पतंग है लेकिन बढ़िया पतंग, काफ़ी ठड्डे भी एकदम बढ़िया लगे हैं इसमें। ये देखो तो पौनी पतंग है भाई, लंबे फरमे की आपकी आराम से 500-600 मीटर तक ये लड़ जाएगी, और इतने मीटर में ये बढ़िया वर्क करेगी। ये देखो भाई, सारी पतंगें एक जैसी, ये नहीं कि कुछ पतंगें अलग हैं कुछ पतंगें अलग हैं, सबकी फिनिशिंग एक सी है पतंग की। और पतंग का मैं आपको रेट बताऊं, ये पतंग मुझे कितने की पड़ी, तो ये पतंग सिर्फ मात्र मुझे 14 रुपये की पड़ी है भाई। 14 रुपये में इतनी बढ़िया पतंग आपको मिल रही है एकदम फिनिशिंग के साथ, तो और क्या लोगे। अजंता पेपर ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ब्लैक पत्ता ब्लू पतंग, एकदम क्लासिक पतंग जिसे कहते हैं ना, वो पतंग है भाई ये। और देखो, अगर आप लंबे रेंज के लिए पतंगे लेते हो तो आप यही कोशिश करना कि सिंपल पतंगे लो, एक कलर की, ज़्यादा मतलब कलर कॉम्बिनेशन मत लेना, वरना वो आगे जाके दिखती नहीं है और बाद में फिर जोड़ भी खुल जाते हैं। और देखो इन पतंग में सिर्फ एक ही जोड़ पड़ा है किसी किसी चौक में, वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी भाई कारीगर ने काम करा है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई, जो जोड़ है ना इसमें भी घुटाई कर रखी है, इससे क्या होगा, जो जोड़ होगा ना ये खुलेगा नहीं आगे जाके। इसमें आप चाहे टेप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जोड़ नहीं खुलने वाला, क्योंकि जिन जोड़ों के ऊपर घुटाई हो जाती है ना, तो वो जोड़ नहीं खुलता है। और ये सिर्फ 2-3 चौक के अंदर ही जो पेपर है ये जॉइंट वाला पेपर है, वरना सिंपल एक पेपर की पतंग है पूरी। तो देखो ये सारी पतंगें मैं लेकर आऊँ पौनी, लगभग ये 50 पतंगें मैं लेकर आऊँ, मैंने पूरे आपको चौक गिना दिए, 12-13 ये चौक है, और इसका जो रेट मुझे पड़ा 14 रुपये। अब मैं आपको और मंझोली पतंगें भी दिखा देता हूँ, मंझोली और अद्दी। तो ये देखिए, ये रही भाई हमारी मंझोली और अद्दी पतंगें, और ये वही पतंगें जो मैंने अभी 15 अगस्त के स्ट्रेस में आपको दिखाई थी। अब आपको पता 15 अगस्त में यार कितनी पतंगें मैं यूज करता हूँ, मुश्किल से मेरी 15 या 20 पतंगें कट दी होंगी, और सारी पतंगें बच गई। देखो सब वही पतंगें हैं, मैं आपको ये देख लीजिए आप एक बार, सब वही पतंगें। अब ये देखो रक्षाबंधन में यूज होंगी, और जो बच जाएंगी रक्षाबंधन में फिर ये आगे नॉर्मली यूज होती जाएंगी, जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ काइट फाइटिंग की। तो यही सारी मंझोली और पौनी पतंगें, ये करीब 150 पतंगें हम पे अभी भी रखी हैं, ये वाली और पौनी भी हैं, और नीचे पौनी काफ़ी रखी हैं 200-300, और ये बड़े वाले पिंता मैंने सिर्फ एक ही उड़ाया था, वो भी हमारा कट गया, तो ये सिर्फ 3 बचे हैं, इसे भी हम ख़त्म कर देंगे रक्षाबंधन में उड़ा के। वैसे भी इनसे पतंग तो हम काट नहीं पा रहे, लेकिन 100 के लिए हम उड़ा देंगे, देखते हैं क्या था तुक्के काट दें एक आध पतंग। अब मैं आपको मांझा दिखाता हूँ। अब 15 अगस्त हुआ दिल्ली में, तो आपको पता है कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं मांझे से, और एक दो लोग की डेथ भी हुई है। तो यार अब बरेली में रक्षाबंधन आ रहा है, और अगर इस समय बरेली में चाइनीज़ मांझा यूज हुआ ना, तो ये खबर दूर नहीं है कि 4-5 दिन का ये खबर आ जाए कि काइट फाइटिंग बैन हो गई है इंडिया में। तो यार कॉटन मांझा यूज करना रक्षाबंधन में, मज़े से पतंग उड़ाओ लेकिन कॉटन मांझे से उड़ाओ। तो देखो यहाँ पे मैं 2 चरखियाँ यूज करने वाला हूँ रक्षाबंधन वाले दिन, वैसे चरखियाँ काफ़ी रखी हैं लेकिन ये स्पेशली 2 चरखियाँ ये वाली यूज करूँगा, इसके पीछे का भी रीजन अभी बताता हूँ। तो सबसे पहली चरखी हम यूज करेंगे नासिर भारती की, और इसमें अभी मैंने सिर्फ आधी रील मांझा उड़ाया था, अभी इसमें 5.5 रील मांझा बचा है, और ये करीब 1 महीना हो गया इस मांझे को, पुराना हो गया ये मांझा, तो अब मैं इस मांझे को यूज करूँगा। तो देखो ये वाला मांझा मैं इसलिए यूज करूँगा क्योंकि ये मांझा देखो थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा स्मूथ के साथ इसमें धार है, तो इसीलिए अगर हमारे पेज मतलब हवा उस दिन तेज़ चलती है, तो अगर पेज हम फंसा के लड़ाएंगे तो ये मांझा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये स्मूथनेस के साथ इसमें हल्की सी धार है। और मांझा तो 1 महीना हो गया लगभग, तो मांझा वर्क कर देगा,
फिलहाल जितना पुराना हो सके उतना बढ़िया वर्क करता, लेकिन एक महीना भी काफ़ी है मांजा रखने के लिए। तो देखो इस मांजे को हम उड़ाएंगे और फिनिशिंग मांजे की भाई काफ़ी बढ़िया है, इसका मैंने रिव्यू की वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वीडियो वाली नहीं देखी ना रिव्यू की तो आप देख सकते हैं। और देखो भाई जितनी भी दोनों डोर है ना सब 1-2-3 में आराम से टूट जाएंगी, अगर किसी की गले वाले में आती हैं तो इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा जो आपका चाइनीज़ मांजा करता है। तो भाई प्लीज़ कॉटन मांजा यूज करना, ये देखो 1-2-3 की डोर है और बहुत आराम से ये टूट जाएगी अगर बाई चांस ये किसी के गले वाले में फंसती है तो। तो देखो सबसे पहले मांजा ये रहा जो हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि तो स्मूथनेस के साथ धार है तो ये फंसा के बढ़िया लड़ेगा। तो पहला तो हमारा नासिर भारती है, मतलब ये हम ज़्यादा यूज करेंगे, और भी मांजे मेरे पास हैं लेकिन मेनली हम ये वाला यूज करेंगे। और एक आध कारीगर का मैं और मांजा लेकर आने वाला हूँ, शायद मैं उसी दिन आपको टेस्टिंग करके दिखा दूँ, रक्षाबंधन के दिन नई नई चरखी खोल के पतंग उड़ाएंगे भाई। और दूसरा मांजा है भाई ये है आपका सादिक का, इसकी मैंने आपको रिव्यू नहीं दिया इस मांजे का, लेकिन अभी आप देख लो ये रिव्यू समझ लेना आप। मांजा देखो इसमें एक नंबर का कांटा है भाई, जिसे कांटेदार डोर पसंद है ना, खड़ा कांटा जिसे कहते हैं, तो इस डोर में खड़ा कांटा है। और ये देखो मैंने 6 रील इसका यूज कर लिया, इसमें भी करीब 6-7 रील बचा है, मैदान में यूज करा था, इस मांजे ने अच्छा रिजल्ट दिया मैदान में। और देखो इसमें खड़ा कांटा है इसलिए मैं इसे भी यूज करूँगा, क्योंकि ये छोटे पेज के लिए होगा। जो नासिर भारती वाला मांजा है वो पेज अगर फंसता है तो वह लड़ाऊंगा, अगर लंबे पेज जाते हैं और छोटे पेज लड़ते हैं तो ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि इसमें खड़ी धार है तो ये आर पार के जो पेज होते हैं ना खींचने वाले उसमें बढ़िया ये वर्क करेगा। तो देखो ये वाला मांजा रहा, और इसमें हल्के हल्के आप देखेंगे ना तो रग फटा हुआ मांजा है। और आप लोग को रक्षाबंधन की वीडियो मिल जाएगी, और मैं देखो अभी काइट शॉप में भी जाऊंगा आजकल में, और वहां पर भी अगर कोई नई वैरायटी की पतंग आई होगी तो वाली पतंग भी हम लेकर आएंगे और आपको रक्षाबंधन वाले दिन उड़ा के वाली पतंग दिखाएंगे। तो ये देखो ये दो मांजे रहे जो हम मेनली यूज करेंगे, और चलो मैं आपको ये और दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखो पतंगें मैंने पूरी फैला ली हैं, बीच बीच में धूप आ रही है फिर बादल हो जा रहे हैं, क्योंकि ये सब ताज़ी पतंगें हैं। और जब मैं पतंगें लेकर आया था तो मैं पतंगें रात में लेकर आता मैंने देखा नहीं, लेकिन जब मैंने घर आके दूसरे दिन देखा तो पतंग की कमान में हल्की सी फंगस है, मतलब पतंगें ख़राब नहीं है, लेकिन जो जैसे कि बारिश का सीज़न है तो जहाँ पे शॉप से मैं लेकर आया था उनके ऐसी पतंगें रखी रहती हैं रैक पे, तो थोड़ी सी फंगस लग गई थी पतंगों में, तो जितनी फंगस थी वो सब मैंने कपड़े से साफ कर दी। और देखो सामने मांजा वांजा रखा है, तो यहाँ पे देखो अगर आपकी पतंगों में फंगस लग जाया करें तो आप कपड़े से फंगस साफ़ कर दिया करो और पतंगों को धूप में ऐसे सुखा दिया करो, इससे क्या होगा फंगस सब खत्म हो जाएगी और पतंगें भी आपकी बढ़िया रहेंगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।